तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो दर्द था और ये जो पूरी साजिश रची गई संतोष मांझी को मंत्रालय से हटाने का, उनकी पार्टी को समाप्त करने का, उनको राजनीति से बेदखल करने का और भ्रूण हत्या का जो साजिश इन लोगों ने रचा, उसके पीछे का दर्द तो यही है। तेजस्वी यादव जी को तो शर्म आनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, और माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि वो अपने पिता की उम्र के मंत्री पद की जो शपथ ले रहे थे रत्नेश सदा जी, उनसे पैर छुआ रहे। तो उनको पैर छूने वाला दलित चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होने वाला दलित चाहिए। और सातवां आठवां अब तो खुदनुमा पास हैं, तो सातवां आठवां पास मतलब दलित नेता चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। 13 जून को जैसे ही हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर के संतोष कुमार सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म हो गई। अभी हमारे साथ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी है। श्याम सुंदर सरन जी, अशोक चौधरी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी का हैसियत नहीं था मुख्यमंत्री बनने का, वो तो नीतीश कुमार के रहमो करम पर बने, क्या कहें? दलित की हैसियत नहीं है ये कहने के लिए अशोक चौधरी जी को आज न कल माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो क्षेत्र की जनता में जब जाएंगे तो उनको समझ में आ जाए। अशोक चौधरी जी भले चरण पादुका पकड़ के राजनीति कर रहे हैं, एक सीट कहीं से उनको है नहीं, चुनाव लड़ सकते नहीं, चुनाव पिछले 15 सालों से लड़े नहीं हैं और वो बात कर रहे हैं, उनको तो खुद इसमें जवाब ढूंढना होगा। और दलित समाज उनसे अब पूछने को तैयार बैठा है, जाएं जरा क्षेत्र में पता चलेगा कि दलित की हैसियत कितनी है, और है अगर हैसियत तो अपने आका को अब फिर से मुख्यमंत्री बना करके दिखा देंगे, हम लोग भी देखेंगे। तेजस्वी यादव का एक बयान आया जिसमें जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि मेरे बेटे जो है संतोष वो ज़्यादा शिक्षित है तेजस्वी यादव से, तो तेजस्वी यादव का बयान आया कि वो बड़े हैं, उनके बयान का कोई हम मतलब नहीं देते, बस उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके बयान का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्या? अब औचित्य नहीं रह जाता है ज़रा तो बता देते। संतोष सुमन जी PhD होल्डर हैं, प्रोफेसर हैं, DU के पढ़े हुए हैं, डॉन बॉस्को में पढ़े हैं, ये तो सर्टिफिकेट ना है, ये कोई ज़बरदस्ती थोड़े ना है। अब ऐसे हूँ कोई अपने आप को बहुत सा नहीं देखते होंगे कि कोई मुखिया जी का चुनाव लड़ गया तो जीवन भर मुखिया जी नहीं हो जीता तो मुखिया जी लोग कहते हैं, नहीं भी कुछ हुआ तो उसको मंत्री जी नाम रख देते हैं। तो दर्द तो इसी बात का था ना, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो दर्द था और ये जो पूरी साजिश रची गई संतोष मांझी को मंत्रालय से हटाने का, उनकी पार्टी को समाप्त करने का, उनको राजनीति से बेदखल करने का और भ्रूण हत्या का जो साजिश इन लोगों ने रचा, उसके पीछे का दर्द तो यही है कि वो लोग जहाँ दलित समाज का चेहरा ऐसा दिखाते हैं कि लगता है जैसे एकदम निरीह प्राणी बेचारा, न उसको दुनिया में कुछ है, न पढ़ाई है, न लिखाई है, वैसे लोगों को आगे करेंगे जो उनके दाने के मोहताज रहें और उनकी भाषा बोलें। तेजस्वी यादव जी को तो शर्म आनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, और माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि वो अपने पिता की उम्र के मंत्री पद की जो शपथ ले रहे थे रत्नेश सदा जी, उनसे पैर छुआ रहे। यही हैसियत वो दलितों को बता रहे हैं कि यही तुम्हारी हैसियत है, और अशोक चौधरी जी बयान दे रहे। तो उनको पैर छूने वाला दलित चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होने वाला दलित चाहिए। और सातवां आठवां अब तो खुदनुमा पास हैं, तो सातवां आठवां पास मतलब दलित नेता चाहिए, और उनका तो पार्टी का कैसा नेता रहता जानते हैं, तो जिस पर 10 को मुकदमा रहे, 15 को मुकदमा रहे, हत्या बलात्कार डकैती तमाम जघन्य अपराधों में लिप्त रहे, वैसे लोगों को तलाशते हैं। और वो जीतन राम मांझी की बात करते हैं जब उनकी पैदाइश नहीं थी, वो कहते हैं कि हम उनकी बात को तो ठीक कहते हैं कि उनको कहाँ से पता होगा, जब वो जन्म भी नहीं लिए थे तब मांझी साहब बिहार मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। एक तरफ जीतन राम मांझी का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि कास्टिज्म इज मोर डेंजरस देन नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता से ज़्यादा खतरनाक जातिवाद है, तो क्या ये इशारा था कि भाजपा की तरफ हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा भी राष्ट्रहित की बात करती है, तो क्या भाजपा की तरफ जाने का? ये स्लोगन मांझी जी दिए हैं, बोले हैं मांझी जी का बयान था, कई बार बोले हैं,
आप लोग उसको उसी दिन दिखाते हैं। अब दिन भर में तो कितनी बातें बोल जाते हैं। अब मांझी साहब बोल रहे हैं वो बात उन्होंने कही तो कितनी गंभीर बात है, इसको तो कब का दिनकर जी ने लिख दिया। दिनकर जी ने लिखा है ना कि मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का वीरों का धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो जाति का तो शोर वही मचाते हैं जो या तो कायर हैं या तो क्रूर हैं। तो ये लोग तो दोनों हैं, रणछोड़दास भी हैं और लोगों का दमन भी करते हैं। किस तरह से जंगल राज कायम कर दिया था तेजस्वी यादव जी को पता है, जीतन राम मांझी की बात को नहीं लगाते हैं। लगाइएगा कैसे, पल्ले पड़ेगा तब न लगाइएगा, कुछ बुझाएगा तब न लगाएगा जी। यहाँ तो बोलेगा आम समझेगा इमली तो बेचारा लगाएगा क्या। ये थे हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि तेजस्वी यादव को तो माफ़ी मांगना चाहिए कि वो अपने पिता तुल्य रत्नेश सदा जी से पैर छुवाते हैं और दलित को अपने घुटनों के बल लाते हैं, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार सरकार के मंत्री और अपने पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं उनसे पैर छुवाते हैं, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।